विधायक ने बीडीओ को धमकाया क्यों? अपने दरबार में मत्था टेकने बुलाया क्यों? अपने आदमी की सिफारिश लगाई क्यों? कहती हैं हम हैं यहाँ के सरकार, विधायक ने बनाया सिस्टम को लाचार। क्या वाकई में विधायक ने सिस्टम को लाचार यहां पर बना दिया? क्योंकि जनता के लटके कामों के लिए अगर विधायक साहिबा ने वीडियो को लतार लगाई होती तो शायद इतना बवाल बिल्कुल ना होता। किसी मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए अगर विधायक साहिबा ने किसी अधिकारी को डांटा होता तो शायद उनकी इस वक्त वाहवाही हो रही होती। लेकिन भरतपुर से बीजेपी के विधायक अनिता सिंह गुर्जर ने अपने खास आदमी को विभाग से रिलीव करने पर ऐसी लतार लगाई कि सिस्टम लाचार और बेबस दिखाई दिया। बात सिर्फ धमकी भर की नहीं है, बल्कि विधायक साहिबा तो मानो अपने घर को, संसद और खुद को सरकार समझने लग गई हैं और बीडीओ को अपने दरबार में मत्था टेकने की धमकी तक देती हैं। अब सवाल है कि विधायक अगर सरकारी सिस्टम को इस तरह हाईजैक करने लगेंगे तो सिस्टम जनता के लिए निष्पक्ष काम कैसे करेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हेलो, हेलो विजय सर, बोलो। जी मैडम, मैं विधायक अनिता सिंह गुर्जर। आपको पता है कि आपने मेरे भी वीडियो लगते हो? हाँ क्यों नहीं मैडम, तो फिर आप कभी आए अब तक मिलने के लिए? मैडम मैं तो अभी चार्ज आया मेरे पास। तो चार्ज आने के बाद कितने दिन हो गए चार्ज हुए? उस दिन मीटिंग में मुलाकात हुई थी, मीटिंग में पता नहीं दिन हो गए चार्ज आया आपके पास, उसके बाद आओगे आज तक आप? मैडम मैं यूँ नहीं आ सका कि यहाँ पे भी ये एमजेएसए के काम चल रहे हैं मैडम, इसमें दोस्तों को बाहर नहीं, ये काम तो नौकरी के अंदर काम करने ही करने हैं, लेकिन हम भी सरकार है, हमारे पास क्या आना पड़ेगा? और हमारे आदमी को विजय जी इनको आपने रिलीज किया, कोई बढ़िया किया है क्या? जी मैंने मेरे हाथ की बात नहीं थी, मैंने उनका ट्रांसफर हुआ पड़ा था और आपके हाथ की बात नहीं थी। वीडियो साहब ऐसा गत बना दूंगी मैं आपकी, जिंदगी भर याद रखोगे, दिगंबर सिगंबर कोई ना बचा देखो, जीता हुआ आदमी नहीं है। मैं तो यही निवेदन, आपको वीडियो का चार्ज दिला दिया तो ये सोच रहा है कि पहले परमात्मा ही होगो, और हमारे आदमियों को आप तंग कर रहे हो वहाँ। मैम मैं तो इतना सा निवेदन कर रहा हूँ मैम, मैं तो चाहेंगे आप वीडियो का चार्ज देना है, मैं तो वीडियो का चार्ज देना चाहेंगे रहा हूँ, मुझे तो अभी आपको दे देना कल वापस। हाँ बिल्कुल दे दूंगा मैम। ठीक है, मैं कल वापस नहीं हुआ ना तो फिर हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है। आप किसका देगा मैम, ये तो बता दूंगा मैं दे दूंगा। और मैम यहाँ कोई और है ही नहीं चार्ज देने वाला, तो भाई तू अपनी तैयारी कर ले, परसों मैं सीएम से मिलूंगी, तेरे को ऐसी जगह लगाऊंगी कि तू ध्यान रखेगा। बिल्कुल मैम, जैसा आप चाहें। खुले शब्दों में धमकी, नतीजे भुगतने का डर दिखाकर अपना पर्सनल काम करवाने की कोशिश, एक सरकारी अधिकारी को नौकर समझने की भूख, सरकारी काम में दखल देती विधायक अनिता सिंह गुर्जर। खुद को सरकार बताने वाली अनिता सिंह गुर्जर ने इतना सब कुछ बोल दिया, वो भी खुल्लम खुल्ला। लेकिन भरतपुर के सांसद बहादुर सिंह को लगता है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अब जरा उनका बयान सुनिए और बताइए कि कहीं उनके कानों को इलाज की जरूरत तो नहीं। पहले नंबर तो अनिता ने कोई बात नहीं करी, और अनिता ने जो विधायक महोदय ने ये कह दिया उसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी की पानी रह जाएगा, ये सारी झूठी बातें, ये खाली का केवल हमारे विधायक महोदय को बदनाम करने का तरीका है। जिस ग्राम सचिव विजय जैन का नाम लेकर अनिता सिंह गुर्जर वीडियो को धमकी दे रही है, दरअसल उसका तबादला तो 30 जून 2015 को ही कर दिया गया था। वीडियो साहब ने तो बस उसे रिलीविंग दी है, लेकिन इस पर भी विधायक महोदया भड़क गई। अब सवाल है कि कहीं ग्राम सचिव के सहारे विधायक अनिता सिंह गुर्जर की कोई आर्थिक कमाई तो नहीं हो रही थी, या विधायकी का उन्हें ज्यादा ही घमंड हो गया है? बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, इतने सारे विधायक हैं, बाड़मेर के विधायक, कोटा के विधायक, आज भरतपुर के विधायक, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बीजेपी की कार्यप्रणाली का एक प्रतिबिंब है, एक चिन्ह है, एक छाया है। और ये पार्टी जो कहती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, आज अनुशासन की, कानून की, समाज में व्यवहार कैसे करना है, उन सबको ताक पे रखकर ये लोग आज अपना शासन चला रहे हैं। धमकी देकर तो विधायक महोदया सीकरी भ्रमण पर निकल गई। कुछ कहना है एकदम कुछ कहना है कि मैडम? पूछे जाने पर उनका मुंह नहीं खुला,
लेकिन राज्य के मंत्री ने उनके स्पष्टीकरण को पर्याप्त माना है। भले ही उन्होंने विधायक अनीता गुर्जर के स्पष्टीकरण को सुना ना हो ना देखा हो, लेकिन फिर भी उनकी नजर में विधायक का स्पष्टीकरण पर्याप्त है। मैं सोचता हूं कि अधिकारी भी इस तरीके से फोन को टेप करना और फिर सार्वजनिक करना ये भी ठीक नहीं है, इसको भी सरकार ठीक नहीं मानती है। लेकिन जनप्रतिनिधि भी हम माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वे सब सहमत रहे और अनीता जी का अपना स्पष्टीकरण उन्होंने स्वयं ने दे दिया, इसलिए अनीता जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, मैं सोचता हूँ काफी पर्याप्त। विधायक ने बीडीओ को अपने खास आदमी के लिए धमकी दी है, अपने घर माथा नहीं टेकने पर लतार लगा दी, मुख्यमंत्री से तबादला करने और अंजाम भुगतने के नतीजे दे दिए, लेकिन सरकार के मंत्री को दोष अपने विधायक में नहीं बीडीओ में नजर आता है। अब सवाल है कि सरकार प्रदेश को सिस्टम से चला रही है या फिर धमकी से। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। अगर एक विधायक ये कहे कि जनता का काम करने होंगे क्योंकि हम ही सरकार हैं तो समझ में आ जाए, लेकिन अपने चहेते को रोकने के लिए धमकी देना कहां तक जायज लगता है, बिग बुलेट में बात इसी मुद्दे पर होगी। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, बीजेपी नेता मनीष पारीख जी, कर्मचारी नेता शिवशंकर अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम सुंदर जी, आपके पास में आऊंगा क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर बीजेपी के कई विधायक इस कतार में आकर खड़े हो गए जहां पर सिस्टम को लताड़ा गया, धमकी दी गई और दबाने की कोशिश की गई। क्या वाकई में लगता है कि सिस्टम से काम कराने का यही तरीका है, क्योंकि यहां पर तो पूरी घटना अलग है, अपने चहेतों को रोकने के लिए भी धमकी दी जाती है। विजेंद्र जी, अनीता सिंह नगर से 3 बार विधायक और जिला प्रमुख भी रही है जी, इस नाते से वरिष्ठ होने के नाते से उसका कर्तव्य बनता है कि जिस प्रकार का व्यवहार जो उसमें दिख रहा है वो व्यवहार विधायक के लायक नहीं होता। जब विधायक की शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने मतलब का काम कभी नहीं कराएंगे, सारी चीजें कही जाती है और संविधान का ध्यान रखेंगे, सारी चीज देखेंगे। तो आज जो चीज बोल रही थी वो कि मैं यहाँ की सरकार हूँ और मैं चाहूंगी जो होगा, क्योंकि झगड़ा दिगंबर सिंह जो हमारे यहाँ से 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं जी, और इनके बीच के बीच में दोनों के बीच में उन्होंने वीडियो को उसको लगाया होगा, लेकिन अब वो चाहती है कि वो जैसे कहे वैसे करें काम, क्योंकि वीडियो। लेकिन श्याम सुंदर जी, लगता नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर सामंतशाही सोच है, क्योंकि वीडियो को ये कहना कि आप मेरे ऑफिस में आइए, मेरे घर आइए, मत्था टेकिए, ये तो सीधे सीधे सामंतशाही सोच है। नहीं, ये तो बात ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री क्योंकि हमारे भी जिस प्रकार के हैं उन्होंने शिक्षा दीक्षा जो दी होगी उसी का अनुकरण कर रही होंगे ये जी। अब क्योंकि ये विधायक हैं, विधायक होने के नाते इनका दायित्व तो ये नहीं बनता कि वो कहें कि मेरे घर पे आके धोख लगाओ जी। अब इनमें अगर खुद में अगर तमीज होती या इनमें विधायक गिरी करने की जो हैसियत 3 बार जो चुनके आ गई हो और उसकी अगर अनुपालना वीडियो नहीं कर रहा है तो इनमें खुद में तो कमी है ही जी। नहीं तो ये ऐसे नहीं बोलती, खुद के व्यक्ति को बनाए रखने के लिए जी, क्योंकि एक ग्राम सेवक है उसको रखने के लिए कि उनको रिलीव कर दिया, इसलिए नाराज हो गए। और जिस प्रकार से इनका व्यवहार है वो एक विधायक का व्यवहार नहीं होता। चलिए चलिए जी, आपके पास में आऊंगा, जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया ग्राम सचिव विजय जैन जी, उनको 30 जून 2015 को ही उनका तबादला कर दिया गया, बीडीओ साहब आए उनको रिलीव कर दिया गया। अब इसमें गलत ऐसा क्या है जिसके लिए सरकार की धमकी दी जाए, अंजाम भुगतने की धमकी दी जाए, इसमें गलत क्या है? ये बात तो सही है विजेंद्र जी की, जिस भाषा का ओवरऑल आया है उसको तो सही नहीं कहा जा सकता जी। बात ये भी है कि जो ग्राम सेवक जिसको रिलीव करने की बात है वो भी सरकारी कर्मचारी है जी, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनसे ये अपेक्षा भी होती है कि वो जनप्रतिनिधियों से समन्वय बना के रखे, मिलते रहे। अब वो कोई दूसरे जगत में नौकरी कर रहे हैं और विधायक किसी और जगत का है, ये तो नहीं हो सकता। मनीष जी 30 जून 2015 को जब तबादला हो गया, 1 साल तक तो फिर भी वो पद पर यहाँ बना रहा, अगर वीडियो साहब ने कर दिया तो इसमें गलत क्या था? नहीं, गलत सही मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 1 साल तक बिना रिलीव हुए क्यों था जी? ये आपकी सरकार है, जवाब दीजिए। वही कह रहा हूँ, ये अधिकारी को देखना चाहिए
कि किसी ग्राम सेवक की नियुक्ति दूसरी हुई नहीं, वहाँ रिक्त पड़ा है पद और उसको हटा दिया, दूसरे को ले आए, वहाँ आदमी नहीं है। जैसा वो कह भी रहे हैं कि मेरे मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे को चार्ज लेने के लिए भी आदमी नहीं है। ऐसी दशा में जब अधिकारी ये सोचने लग जाए कि मैं इस सिस्टम को पंगु बना दूंगा, और विधायक ने अगर ये कहा है तो उसका आड़ में उसको लाभ लेने की सोचने लग जाए बीडीओ साहब, ये संशय। लेकिन मनीष जी देखिए, अब पिछले दो साल के अंदर अगर बीजेपी विधायकों की फहरिस्त निकाल ली जाए तो शायद एक पेज पर आए ना, इतने ज्यादा नाम आ गए हैं। क्या सिस्टम से काम कराने का यही तरीका बीजेपी के पास है? नहीं नहीं विजेंद्र जी, बात यह है कि विधायकों पर इतना दबाव होता है कि अब आप सही बात कहिए, कोई भी व्यक्ति जाता है आपका तो कहना ही नहीं मानते साहब, तीन बार कह देते हैं तो वो जोर से बोलता है, अगर यार काम कर इसका। अल्टीमेटली बात ये होती है, आप समझ सकते हैं अगर इसको बड़े हृदय से सूदिंग एटमॉस्फेयर में सोचे तो, और विधायक के कहने से काम ही नहीं हो रहा है, अधिकारी मान ही नहीं रहा है, तो आप तो ये कह दोगे तो धमकी थोड़ी दोगे आप। लेकिन ये एक देखिए मनीष जी अगर कोई जनता से जुड़ा काम होता तो शायद हम भी विधायक साहिबा की पीठ थपथपा रहे होते। यहाँ पर तो बाकायदा अपने सहयोगी को रोकने के लिए, अपने चहेतों को रोकने के लिए, जिसका तबादला हो चुका है उसके लिए फटकार लगाई जा रही है। कि उसका तो वीडियो वायरल नहीं हुआ ना, उन्होंने ये भी कहा होगा ऐसी सड़कें बनाओ, जल्दी बनाओ, ये करो, ये भी कहते ही होंगे, तो वो तो उसका वीडियो वायरल नहीं होता विजेंद्र जी। चलिए अर्चना जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी सरकार के अंदर सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि बिना गाली गलौज करे, बिना धमकाए, बिना धमकी दिए बीजेपी सरकार काम करा नहीं पा रही, और विधायकों की मजबूरी बन गई कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? देखिए विजेंद्र, जब किसी गलत बात को समर्थन देने का काम किया जाता है तो तर्क इतने लचर होते हैं, खुद ही उसमें गिर जाते हैं। जी अब समस्या यह नहीं है कि बीजेपी के विधायक और सरकार इनके काम नहीं हो रहे तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। सार्वजनिक जीवन में एक शुचिता होती है और राजनेताओं के लिए वो एकदम जरूरी भी है। उस सबको ताक पर रख करके एक वीडियो को आप फोन करते हैं और फोन पर जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो साफ बताता है कोई निहित स्वार्थ आपका है, जिससे आप जिस व्यक्ति को हटाया गया, जिसका ट्रांसफर हो गया था, रिलीव किया गया, उसके जरिए वो आपकी पूर्ति होती थी। ऐसे में आप उस वीडियो को धमका करके साबित करना चाहते हैं कि अपनी पार्टी के एक अन्यत्र जो प्रतिष्ठित व्यक्ति उसकी छवि को भी धूमिल कर दिया, साथ ही साथ कि वो जीता हुआ व्यक्ति नहीं है और सरकार हम ही है। तो सारी भाषा इस बात की द्योतक है कि विधायक को दम तो है ही है अपनी पार्टी के शासन में होने का और विधायक होने का, लेकिन एक लाचारी भी साथ में है कि वो जिसको चाहती थी वो किसी और नेता कहने से हटाए। ये एक अलग मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो बात हम करना चाहते हैं, जिस शुचिता की हम बात सोच रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो आज मुख्य बात होनी चाहिए। आपने देखा यूनुस खान जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने कितना लचर बयान दिया, ओली साहब को भी सुना, अगर सांसद से लेकर मंत्री तक सपोर्ट, सांसद ने तो बिल्कुल नकार ही दिया, बिल्कुल नकार दे। लेकिन विजय, एक मोटी बात समझनी पड़ेगी कि अनीता सिंह पहली भाजपा की विधायक नहीं जिन्होंने ऐसा काम किया। एक फेरिस्ट है, दो कैबिनेट मंत्री, तीन विधायक, दो कोटा संभाग के, एक बाड़मेर के, वो भाषा की शुचिता को ताक पर रखकर जिस अमर्यादित आचरण के लिए जाने गए वो भाजपा को शर्मसार करने वाले। एक पार्टी जिसने कहा पार्टी विद अ डिफरेंस है, हम उच्च आदर्शों की अनुपालना करते हैं, हम लोगों के बीच में और दूसरी पार्टियों में अंतर है, तो यही अंतर तो है जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे थे कि इनका वास्तविक चरित्र उजागर हो रहा है और दिन प्रतिदिन हो रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि नहीं, इनके संगठन के नेता भी कमोबेश ऐसा ही आचरण कर रहे हैं। एक तो दम है, साथ ही साथ माइंडसेट जी विजेंद्र, एक फ्यूडल माइंडसेट, सामंती सोच जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कहां से प्रतिबिंबित हो रही है? सीधे सीएमओ से, वहां से सीएमओ और सीएमआर में जैसी कार्यशैली है उसका रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में, जिला परिषद क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में जहां इनके प्रतिनिधि हैं। तो सारी कवायद सिर्फ इसलिए होती है कि जब ये ऐसे आचरण को अंजाम देते हैं, ऐसी गतिविधियों को जहां की अधिकारियों के हाथ पैर तक तोड़े जा रहे हैं, आपने देखा था कोटा संभाग में विधायक के रिश्तेदार ने जाकर के एएन का हाथ तोड़ दिया, तो जब ये घटनाएं घटती है तो इनका जो संगठन है, इनकी जो पार्टी के मुखिया, कार्रवाई की नहीं जाती है तो सीधा सीधा क्यों ना कहा जाए कि सरकार की भी मौन स्वीकृति इनके पास होती है। बिल्कुल, मैं कह रही हूं मौन स्वीकृति लक्षणों को परिलक्षित करी भारतीय जनता पार्टी। शंकर जी, आपके पास मैं आऊंगा, क्या वाकई में पार्टी विद डिफरेंस के नारे का मतलब यह है कि सरकार सिस्टम से इस तरीके से काम कराएगी? और आपको याद होगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि सिस्टम की ग्रीसिंग करनी जरूरी है। क्या ग्रीसिंग का मतलब यह था कि सिस्टम को धमकाकर डराकर काम कराया जाएगा?
मौनम स्वीकृति लक्षण हो गया, मौन होगा अब अपनी तो जाए। शिवशंकर जी मनीष जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन मुद्दा गंभीर यही है कि सिस्टम के ग्रीचिंग की बात जो की गई थी, क्या ग्रीचिंग का मतलब यह है कि सिस्टम को धमकाकर डराकर काम कराया जाएगा? यह सिस्टम काम करता नहीं और मजबूरी में विधायक को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सांसद से लेकर मंत्री तक को कार्रवाई की बात तो छोड़िए, उनके सपोर्ट में खड़ा होने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्या वाकई में नेता प्रदेश के अंदर इसी तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम के पास कोई विकल्प बचेगा नहीं और सिस्टम उस तरीके से काम करेगा जैसा उस इलाके के विधायक, चेयरमैन या बाकी लोग चाहते हैं? शिवशंकर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहा हूं आपको। मेरा सवाल यह है कि क्या जो नारा दिया गया था कि सिस्टम की ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, क्या ग्रीसिंग का मतलब यह है कि सिस्टम को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और अगर नहीं माना तो उसके साथ मारपीट भी कराई जाएगी? काम करने का यही तरीका बचा है? देखिए विजेंद्र जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि राज्य कर्मचारी जो अधिकारी होते हैं वो सब एक नियम कायदों में रह के अपना काम कर सकते हैं जी। उनके लिए बकायदा आपने रेगुलेशंस बना रखे हैं। अगर आप उन सरकार आपकी है और उसके बावजूद आप अपनी पार्टी के लोग इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि से, तो यह कतई उचित नहीं है। हम इसका विरोध करना चाहेंगे बिल्कुल जी। और सभी को इसका विरोध करना चाहिए। अगर किसी को कोई काम करवाना है तो उसके लिए बकायदा नियम आपने बना रखे हैं, कानून आपने बना रखा है, आप उस सिस्टम से चले। आपके ऊपर सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनको सारे पावर्स आपने दे रखे हैं, लेकिन कर्मचारियों को राजनीति में लाने से है। एक लंबी फहरिस्त है कर्मचारियों के साथ इस तरीके के मामलों की। आखिर कर्मचारी संघ कोई आवाज उठाता क्यों नहीं? क्योंकि आवाज उठाता नहीं तो विधायकों का हौसला बढ़ता है और फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस बारे में आवाज उठानी चाहिए। जब आपने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है तो सिस्टम की पालना करनी चाहिए आपको जी। खास तौर से जब जब राज्य में आपकी सरकार है, आप उस सरकार से काम करवाइए। अगर आपके काम नहीं होते हैं, सीएम है, चीफ सेक्रेटरी है, आप उनसे शिकायत करिए जी। लेकिन एक ट्रांसफर होता है और आपकी अंदरूनी राजनीति होती है, उसे लेके किसी को धमकाते हैं तो बिल्कुल गलत है। मनीष जी आपके पास मैं आऊंगा, क्योंकि आपने इस ऑडियो को सुना होगा तो दिगंबर जी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। और एक तो बीजेपी अंदर खाने एक दूसरे से उलझती नजर आती है, उसका खामियाजा सिस्टम यहाँ पर भुगतता है। सवाल सीधा सा मेरा यह है कि सांसद से लेकर मंत्री तक यहाँ पर पैर भी करने आते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अगर गलत किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें इसके लिए भी पाबंद किया जाएगा। नहीं, वो बात सही है विजेंद्र जी, पहले तो कंप्लेन होनी चाहिए तो उस पर कार्रवाई होती है। और एक नेता दूसरे नेता के बारे में ये भी एक बात सही है कि जहां पर प्रतिस्पर्धा है, जहां कोई चुनाव लड़ने वाला दो व्यक्ति है, मैं तो इसको बिल्कुल खुली शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मानवीय स्वभाव होता है, एक दूसरे के लिए कहा जाता है। सबसे बड़ी बात जो कॉग्निजेबल है, जिसको आप कॉग्निजेंस नहीं देते हैं। ये क्यों कहते हैं कि पार्टी एक है? फिर ये कहिए कि जहां जहां पर जो जो के खिलाफ है वो दो दल है। भाई साहब तो अनीता गुजर पार्टी थोड़ी है, तो जी दिगंबर सिंह जी भी पार्टी नहीं है, उनकी आपस में हो सकती है, इसमें क्या हो गया? मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो इन समूह रूप में है, ये सब लोग जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार है। विधायक की जिम्मेदारी अनंतहीन है, अनंत है वो। विधायक को कुछ भी कहा जा सकता है, ये करो, जनता के लिए नहीं करते तुम बेकार हो, हम दूसरे को वोट दे देंगे, ये भी तो है। अब उसकी प्रॉब्लम है, उसने अपने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ कभी कहा होगा, जो भी कोई ऑफेंसिव एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बड़ी बात है मानसिकता की, तो वो ऐसी नहीं। आप तो ये कहेंगे व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत को कहा है, उस व्यक्ति को शिकायत करनी चाहिए। जीते की बातों को घुमाइए नहीं, क्योंकि अगर जनता से जुड़ा मुद्दा होता तो यकीन मानिए हम भी यहाँ पर बहस नहीं कर रहे होते। सवाल यहाँ पर सीधा अपने सहयोगी को, उसको वायरल सहयोगी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर वीडियो को लताड़ा गया है। एक भी शब्द उसमें जनता से जोड़ा नहीं है। मैंने यही कहा कि हर आत्मा परमात्मा का अंश होती है, इसलिए उनको ठेस पहुंच गई है, वो तो गलत बात है, इसमें हर आदमी बराबर है। लेकिन जो व्यक्ति ने इसको वायरल कर दिया इंटेंशनली, अगर एमएलए साहब ने व्यक्तिगत उसको कार्रवाई क्या हुई? रिलीव तो हो ही चुके हैं, वो क्या करा है?
ये कह रहे ना अग्रवाल देखिए मनीष जी, मनीष जी देखिए कसम का सिस्टम काम तो सिस्टम का हो रहा है, कसम का राज है, ये तो बाद में बेचारा कुंठित विधायक बोल रहा है जी, ये बात है मनीष जी, कसम का सिस्टम है होता था। आप मुझे ये बताइए कर्मचारी के पास पावर क्या है, वो बेचारा वैसे भी गालियां सुने, अगर वो उसको वायरल कर दे तो आप उसको दबाने की कोशिश करें, ये व्यक्तिगत चर्चा है, इसको अगर वायरल हो रहा है तो उसका लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, ये बात बता रहा हूँ। देखिए विधायक को तो अपनी गलती, श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी, एक वीडियो आखिर क्या फायदा उठाएगा, वो अपनी पीड़ा यहाँ पर बता रहा है कि विधायक साहिबा किस तरीके से काम कराती हैं, किस तरीके से लताड़ती हैं, किस तरीके से अपने घर में मत्था टेकने के लिए मजबूर करती हैं, आखिर वो क्या फायदा उठाएगा इसका। नहीं विजेंद्र जी, ये तो बात सही है कि जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया जी, वो विधायक की शिष्टाचारता के नाते सही नहीं है, बस यही बात है। जिस प्रकार की भाषा कर रही है कि मैं तुझे देख लूंगी, मैं सीएम से तेरे को इससे के भिजवा दूंगी, कर दूंगी, इस तरह का उपयोग उसको विधायक को नहीं करना चाहिए। कोई पहली बार विधायक नहीं बनी है, ये जिला प्रमुख भी रह चुकी है, तो इस नाते से इनकी जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है। पहली बार जो विधायक बनता है वो तो चलो कुछ भी कर ले, पैराज गुंजल के को भी कार्रवाई की गई थी तो अमित शाह के कहने पे की गई थी, राजस्थान में कार्रवाई वापस ले लिया गया 6 साल के लिए, बहाल कर दिया गया नहीं, लेकिन फिर भी अमित शाह के कहने से हुआ था ये, राजस्थान का पार्टी प्रशासन तो कर ही नहीं पाया था। अशोक फडणवीस उसको भी, आप उसके अशोक डोगरा के बारे में भी कोई नहीं हुआ, उसके पहले वो हुआ और कैलाश चौधरी के भी हुआ, तो ये विधायकों के खिलाफ जो सिखाते गुण सिखाते हैं तो यही सिखाते हैं कि पार्टी के अंदर बैठ करके कि आप किस प्रकार से अपने आप को वर्चस्व अपना बढ़ाओगे करोगे, लेकिन जो व्यवहार होना चाहिए एक्चुअल में व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप अधिकारी उसका काम अपने छोटे ही कर दे। यहाँ पर बनती नहीं है अर्चना जी, मनीष जी यहाँ पर बैठकर बड़ी आसानी से मान रहे कि वाकई में भाषा सही नहीं थी, लेकिन सांसद नहीं मानते, मंत्री नहीं मानते, तो क्या उम्मीद की जाए कि मनीष जी यहाँ पर मानते हैं तो कार्रवाई हो जाएगी। देखिए विजेंद, मनीष जी ने तो आज बहुत भावुक होकर के कहा कि, और आध्यात्मिक भी हुए कुछ हद तक, अनंत बताते हैं विधायक को कि उसकी समस्या और उसकी जो पीड़ा है उसको, चलिए ये बात भी मान लें कि विधायक पर बहुत सारे कार्यों के, बहुत सारी उम्मीदों की एक बहार होता है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि अपना मानसिक संतुलन खो दें और अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करें। और दूसरी पीड़ा एक और उजागर हुई जब यूनुस खान जी का मैं वक्तव्य सुन रही थी कि जो ऑडियो वायरल हुआ इसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि ऐसी गतिविधियां नहीं हो ताकि पार्टी को इस तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करे, यानी आप करें भी और आपकी बात उजागर हो तो उसके प्रति भी आप सावचेत होना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ हो तो इस तरह उस पर अंकुश लगाया जा सके। बड़ी विडंबना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, सही कह रहे थे श्याम सुंदर जी, प्रदेश स्तर पर तो कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता। प्रहलाद गुंजर के प्रकरण में भी जब तक कि केंद्र के नेतृत्व ने हस्तक्षेप नहीं किया उनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, लेकिन फिर प्रदेश का ही नेतृत्व जाकर केंद्र से गुहार करता कि इन्हें सम्मान वापस दिया जाए, तो आपने प्रतिमान स्थापित कर दिया कि कुछ समय के लिए हो सकता है आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर बाहर रखा जाए आपको पार्टी संगठन से और बाद में सम्मान ले लिया जाए। कार्रवाई खिलाफ किसके हो जाए, यही बात है ना कि ये तो वो प्रक्रिया हो गई कि आप कर लीजिए और करने के बाद आपको माफी भी मिल जाएगी। जी शिवशंकर जी आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि कहा ये भी कहा गया, ये नहीं कहा गया कि वीडियो साहब के साथ गलत हुआ, ये कहा गया कि उन्होंने ऑडियो वायरल कर दिया, उन्होंने गलत किया, ये तो दोहरी बार है। लगता है एक बार फिर से उनके पास हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। श्याम सुंदर जी शुक्रिया, शिवशंकर जी आपका भी, अर्चना जी और मनीष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने का। क्या वाकई में सिस्टम को दबाकर काम कराया जाएगा या फिर सिस्टम के साथ मिलकर सरकार काम करती नजर आएगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार विधायक बस जुबानी करते हैं, धमकी देते हैं और अपने अपने घर पर मत्था टेकने के लिए उनको मजबूर करते हैं, तो क्या प्रदेश अब सिस्टम के सहारे चलेगा या धमकी के साथ, ये सरकार को तय करना है। बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।